वैसे तो कई देशों की तरह हमारे देश में भी भ्रष्टाचार, ठगी, जालसाजी और फ्रॉड की खबरें रोज ही अखबारों और न्यूज चैनलों पर दिख जाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश तो फ्रॉड करने वालों का गढ़ ही बनता जा रहा है, जहां पर सरकारी भर्तियों में धांधली का काला इतिहास रहा है। शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, कृषि अधिकारी भर्ती, सब जगह फर्जीवाड़ा चरम पर पहुंच चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में अब दिव्यांगों के हक पर डाका डाला जा रहा है और असली दिव्यांगों के हक की नौकरी नकली दिव्यांग हड़प रहे हैं। इसका सबूत इसी साल जून में तब सामने आया था जब मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक के 18,000 पदों के लिए परीक्षा करवाई थी। इन 18,000 पदों में से 1,086 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित थे। परीक्षा में परिणाम के आधार पर 755 पदों पर दिव्यांग आवेदकों का चयन हुआ। चौंकाने वाली बात ये पता चली कि इन 755 में से 455 दिव्यांग शिक्षक सिर्फ मुरैना जिले से चुने गए। इसका खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक जिले से इतनी संख्या में दिव्यांग शिक्षक बनने का मामला सामने आने के बाद सवाल उठे तो जांच बिठाई गई। जांच में पता चला कि मुरैना जिले के 450 आवेदकों का जो चयन हुआ था उनमें से 77 के दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी निकले। सभी के दिव्यांग प्रमाण पत्र पर विशेषज्ञ चिकित्सक सिविल सर्जन की सील भी लगी मिली। इनमें से 53 लोगों ने बहरे और कम सुनने वाली श्रेणी में दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करवाए थे। इनमें से कुछ दिव्यांग प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड जिला अस्पतालों में नहीं मिला, यानी वो प्रमाण पत्र अस्पतालों से नहीं बने। यानी मध्य प्रदेश में दिव्यांगों का हक भ्रष्टाचारी खा गए और इस खेल में डॉक्टर से लेकर बड़े सरकारी अधिकारी तक शामिल है, क्योंकि इसके बिना ऐसा संभव ही नहीं है कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर कोई परीक्षा में बैठ जाए, परीक्षा पास करके उसको नौकरी भी मिल जाए और असली दिव्यांग लाइन में लगे रह जाए और नकली दिव्यांग नौकरी पा जाए। संविदा पर 3 जो भर्तियां हुई थी उसमें 1,087 विकलांग भर्ती होनी थी, जिनमें 755 भर्तियां हुई। उनमें से मुरैना जिले के 455 अकेले मुरैना जिले के विकलांग हैं। वास्तविकता देखी जाए तो 25% विकलांग वास्तविक हैं और 75% विकलांग फर्जी हैं। जो सामान्य होते हुए भी विकलांग प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा आँख के और कान के हैं, जिसमें त्यागी, धाकड़, रावत, जोरा, सवलड़, कैलाश ब्लॉक के हैं। वो हम तो बैटिंग में रहेंगे, बैटिंग में जब वो हटेंगे तब तो हमारा नंबर आएगा। आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, नकली दिव्यांगों ने असली दिव्यांगों का हक मार लिया। हैरानी की बात देखिए, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने वाले सभी 77 लोगों पर FIR दर्ज करवाई गई थी, लेकिन सिर्फ 7 लोगों को ही अब तक पकड़ा जा सका है। लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला एक भी शख्स आज तक पकड़ में नहीं आया। कुल 257 ऐसे शिक्षक हैं जिनके की दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है मुरैना जिले में सिविल सर्जन द्वारा बनाए गए थे, उनकी जांच कराई गई। उनमें से लगभग 80 ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए अभ्यर्थियों के जिनकी की सिविल सर्जन के कार्यालय में उनका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ये मेडिकल के सिविल सर्जन मुरैना ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर महोदय के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रेषित कर दी है। अब जैसे भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये प्रमाण पत्र 2011 और 2020 के मध्य बने हैं और इनमें मेरे पूछने पर कि क्या जिन डॉक्टर्स ने प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे वे अभी हैं, सेवारत हैं अथवा नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस रैकेट में जो एक बाबू इन्वॉल्व थे और एक डॉक्टर इन्वॉल्व थे वो मृत हो चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब शेष आगे शासन जैसी भी जांच कराएगा कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने का धंधा कितना जोर शोर से चल रहा है और फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए दिव्यांग कोटे से सरकारी नौकरी हासिल कर लेना कितना कॉमन हो चुका है, इसका एक उदाहरण तो आपने देख लिया। अब आपको एक और उदाहरण के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल 15 मार्च से 26 अप्रैल के दौरान पटवारी के पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई।
जिसमें 9000 लोगों का चयन हुआ, लेकिन फिर पता चला कि इस परीक्षा में भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नौकरियां हासिल की गई। सामने आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरह ही पटवारी परीक्षा में भी मुरैना जिले के एक ही गांव से 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों का चयन दिव्यांग कोटे से हुआ था। जांच हुई तो पता चला कि जो छात्र पटवारी परीक्षा में दिव्यांग कोटे से अभ्यर्थी बने थे, वो पुलिस और वन रक्षक परीक्षा में सामान्य श्रेणी में शामिल हुए थे। जी न्यूज के पास भी इसके सबूत मौजूद हैं, जिसमें से कुछ अब हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक ही युवक के 2 अलग अलग परीक्षाओं के एडमिट कार्ड हैं। परीक्षार्थी का नाम योगेश शर्मा है। पहला एडमिट कार्ड जेल प्रहरी वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा का है, जिसमें योगेश नाम के इस परीक्षार्थी की कैटेगरी EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिखी है और क्लास यानी वर्ग के आगे निल लिखा है, जबकि पटवारी की परीक्षा में इसी योगेश शर्मा की कैटेगरी EWS है, जबकि क्लास के कॉलम में मल्टी डिसेबिलिटी लिखा है, यानी एक ही परीक्षार्थी एक परीक्षा में खुद को एकदम फिट लिख रहा है और दूसरी परीक्षा में खुद को दिव्यांग दिखा रहा है। अब दूसरा सबूत देखिए, यहां भी एक ही परीक्षार्थी है, एक परीक्षा के एडमिट कार्ड में दिव्यांग है और दूसरी परीक्षा के एडमिट कार्ड में बिल्कुल फिट है। और अगर आपको कोई शक है कि दोनों परीक्षा में परीक्षार्थी एक ही है तो चेक कर लीजिए, दोनों में नाम मुकेश गुर्जर है, दोनों में पिता का नाम सुरेंद्र गुर्जर है और दोनों ही एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1995 है और बाकी फोटो भी दोनों एडमिट कार्ड में एक ही है। ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, यानी इस शख्स ने मध्य प्रदेश की 2 अलग अलग भर्ती परीक्षाएं दी, जिसमें से एक परीक्षा में वो दिव्यांग कोटे से बैठा था। ये 2 उदाहरण आपने देख लिए, लेकिन जी न्यूज के पास और भी सबूत है। तरुण कांत अग्रवाल राज्य सेवा परीक्षा 2019 में भी बैठे थे और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में भी बैठे, लेकिन तरुण कांत अग्रवाल 2019 वाली परीक्षा में दिव्यांग नहीं थे, लेकिन 2021 वाली परीक्षा में दिव्यांग हो गए और इसे साबित करने के लिए उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी सबमिट किया था। इसी तरह अविनाश रावत नाम के परीक्षार्थी ने वन रक्षक परीक्षा बिल्कुल फिट होकर दी थी, जबकि 2022 में पटवारी की परीक्षा में वो दिव्यांग कोटे में बैठे थे। इतना ही नहीं, दिव्यांग कोटे से परीक्षा देने के बाद वो सिलेक्ट भी हो गए थे, यानी असली दिव्यांग के हक की नौकरी वो फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए हथियाने में कामयाब हो गए थे। ये वो सबूत है जिनका जवाब ना तो मध्य प्रदेश सरकार के पास है और ना उन सरकारी अधिकारियों के पास है जिनके कंधों पर ऐसे फ्रॉड रोकने की जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग में जो भर्तियां हुई हैं और जो पटवारी की भर्ती प्रक्रिया जो हुई है, उसमें बहुत से लोगों ने फर्जी प्रमाणपत्र बना करके जो है नौकरियों में आ गए हैं, उसके खिलाफ में सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन, उनके दिव्यांगजन वैसे ही हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकें, और अगर इस प्रकार से कोई चीज़ें आ रही हैं तो ये बहुत ही जघन्य अपराध मैं मानता हूँ। अरेस्टिंग की फर्जी दिव्यांगों पर अरेस्टिंग की कोई खबर है अब तक? जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक इस विषय में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, परंतु इसमें कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाने के आरोपों पर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में दिव्यांग कोटे से तमाम भर्तियों में नौकरी पाने के मामलों की जांच करवाई जाए, साथ ही नौकरी पाने वाले हर अभ्यर्थी के दिव्यांग प्रमाण पत्र का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सरकार को सौंपनी है। अब इस रिपोर्ट में क्या आता है ये तो रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के अंदर भ्रष्टाचार और फ्रॉड चल रहा है वो कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भर्ती परीक्षाओं में इतने बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए दिव्यांग कोटे का खेल कैसे चल रहा है। आज तक ये सामने नहीं आया कि इस खेल का मास्टरमाइंड आखिर है कौन, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या फर्जी प्रमाण पत्रों को पहचानने का मध्य प्रदेश में कोई सिस्टम नहीं है। Z News.